हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 2788 वैकेंसीज, रिजल्ट तो 30 दिन में आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया। 50 दिन हो गया है, 60 दिन हो गया है, कितना हो गया है आप बेहतर जानते हैं। तो रिजल्ट के लिए कुछ हमारे साथी क्या है कि दिल्ली हेडक्वार्टर में कॉल करता है, वहां से उनको जो सूचना दी जाती है, जो उन कैंडिडेट्स नहीं बताया, क्योंकि हमने कहीं दिल्ली हेडक्वार्टर में कॉल नहीं किया और हम करेंगे भी नहीं, और हम करेंगे तो हमें कोई जानकारी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम इसमें पक्षकार नहीं है। आपको तो यदि पूछा जाए कि आप कौन बोल रहे हैं, आपका रोल नंबर बताइए, आप मोबाइल नंबर बताइए, आप बता देंगे। वहां यह कहा जा रहा है कि 15-20 दिन में, या कई बार यह भी कहा जाता है कि 10 मार्च के बाद रिजल्ट अपडेट होगा। अब रिजल्ट अपडेट होगा, उसके बाद अगला प्रश्न हमारे दोस्त जो है वो ये करते हैं कि क्या एग्जाम कैंसिल होगी। तो वहां से ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोई अपडेट नहीं है, रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी 15-20 दिन, जैसे आज कुछ लोगों ने कॉल किया था। मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, बीएसएफ हेडक्वार्टर में जो आप कॉल करते हैं, जहां सबसे पहले कॉल आपका रेस्पॉन्ड किया जाता है, वो एक्सचेंज ऑपरेटर्स हैं। वो चाहे बीएसएफ रिजल्ट पूछे, आप चाहे आरओआरएम रिजल्ट पूछे, या बीएसएफ ज्वाइनिंग पूछे, कुछ भी पूछे, उनको कोई जानकारी नहीं होती। वो संबंधित जो ब्रांच है उसमें ट्रांसफर करते हैं कॉल आपका, वहां से आपको जानकारी मिल रही है। तो बार बार कॉल करने से कोई रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर नहीं होगा। जो भी प्रोसेस है वो चल रहा है, और कोई वजह है कि उसकी वजह से वो डिले हो रहा है, और वजह वो सबसे बड़ी वजह वही है, अब जो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर थी, वो कि वो क्यों आई, कैसे आई, कहां से निकली, उसके निकलने से किसी को फायदा तो नहीं हुआ, और फायदा हुआ तो किस किस को फायदा हुआ, ये सब चीजों की जांच निश्चित रूप से चल रही होगी। इसी वजह से डिले हो रहा है, और वो जब सब हो जाएगा और उसमें ये क्लियर हो जाता है कि वो तस्वीरें जो है वो एग्जाम के बाद में किसी ने जानबूझकर वायरल की, या एग्जाम चलने के दौरान वायरल की, या एग्जाम से पहले वायरल की, ये सब जब साफ हो जाता है तो आगे रिजल्ट का प्रोसेसिंग हो जाएगा। आप लोग हमें भी बहुत सारे मैसेज करते हैं, कोई वीडियो बनाइए, आपका तो वीडियो ही नहीं आ रहा है, अब तो आप कुछ बता नहीं रहे, तो बताएंगे तो तब जब कुछ अपडेट होगा। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन जो आपको जानकारी है वैसा ही अभी हमें जानकारी है, 2021-22 भी यही है कि कुछ ना कुछ जांच या इंक्वायरी जो है वो चल रही है, और वो जैसे ही हो जाती है तो वो उसका आउटकम क्या होगा उसका, उस पर डिपेंड करेगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका अच्छा स्कोर बन रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यदि आपका खराब बन रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। नई भर्ती भी आ रही है, उसकी तैयारी में साथ साथ जुड़ जाइए। एसएससी जीडी में भी आप लोगों ने एग्जाम दिया है, उसका फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 का भी यदि मेडिकल आ जाता है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मेडिकल बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा कि आप नॉर्मल पॉइंट जो है टैटू जैसा पॉइंट भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, बता दें आपको। तो पहले से आप अपनी तैयारी रखें, और टैटू यदि आप रिमूव करवा लेते हैं तो वो इस भर्ती में नहीं तो दूसरी भर्ती में काम आ जाएगा। जब वर्दी पहननी है, भर्ती होना है, तो जो पॉइंट है वो तो क्लियर रखने पड़ेंगे। तो तमाम हमारे वो कैंडिडेट्स जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम दिए हैं, उनको इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बार बार आप ये दिल्ली हेडक्वार्टर को भी कॉल आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रांच उसका काम कर रही है उसके पास दिन में कितने कॉल आप उनके पास जाएंगे तो वो किस तरीके से अपना काम कर पाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने हमें नंबर शेयर किया था तो हमारे पास ऑलरेडी है नंबर, हमें नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे उस नंबर पर आपको क्या जांच चल रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, ये सब के बारे में नहीं बताया जाएगा। उसके बारे में आपको जो जांच हो जाती है पूरी, उसके बाद ही पता चलेगा। और रिजल्ट आएगा या क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब पता चलेगा। जो डेट बताया जा रहा है कि 15-20 दिन यानी कि 10 मार्च के आसपास कोई हलचल हो सकती है, तो तब तक इंतजार आप भी करें, हम भी करते हैं। जय हिंद।